Hi students, in this video now we will continue our first lesson till where we stopped yesterday. That one we will continue today. The sun and the eight planets form the solar system. A planet is a heavenly body that revolves around the sun. तो कल यहाँ तक हम लोग ने पढ़ा अर्थ की मॉडल जिसे हम ग्लोब कहते हैं. तो आज हमें स्टार्टिंग में दिया है सोलर सिस्टम. व्हाट इज सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम में सन ना, सेंटर में सन होगा और उसके सराउंडिंग में एट प्लैनेट्स. सन के सराउंडिंग में जो एट प्लैनेट्स है ये मिलके एक सोलर सिस्टम बनती है. ये एक सोलर सिस्टम का एक मॉडल है ना, ये आपके बुक्स में भी दिया हुआ है. सन और उसके सराउंडिंग में जो एट प्लैनेट्स है ये सोलर सिस्टम बनाती है. ए प्लैनेट इज हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड द सन. प्लैनेट क्या होता है? प्लैनेट एक ऐसा बॉडी है जो सन के चारों तरफ घूमती है. हर एक प्लैनेट जो है सन को रोटेट करता है, सन के चारों तरफ से वो राउंड करता है. The Earth is one among the eight planets of the solar system. और इस eight planet में से ऐसा एक planet है Earth, ना? Lesson के starting में first video में कहा है कि Earth is the planet where we live. हम रहते हैं Earth में. तो Earth क्या है? Earth भी sun के तरफ, sun के surround में घूमने वाला एक ऐसा planet है, ना? We live in this Earth. The planet move in a fixed path called orbit. और ये planet को move करने के लिए ये जो रास्ता है ये फिक्स्ड पोजीशन होता है. ये प्लैनेट अभी सपोज ये अर्थ का ऑर्बिट है, ये अर्थ बस इसी सर्कल से राउंड करेगा. ये नहीं कि अर्थ यहाँ से खुद के दूसरे में जाए ना. तो ये जो फिक्स्ड पाथ है अर्थ का रोटेट करने के लिए, ऐसे हर एक प्लैनेट का होता है और इस पाथ का नेम होता है ऑर्बिट. ठीक है, ये टेक्स्ट में क्लियरली दिया है. द प्लैनेट मूव इन ए फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट. पाथ मीन्स वे, रास्ता ना. The planets according to increasing distance from the suns are. अब planets के order के बारे में बताया है ना, तो जैसे sun से दूर होते जा रहे हैं उस order के according अगर हम planet को देखेंगे, सबसे पहले होते हैं Mercury, second Venus, third Earth, then fourth Mars, Jupiter, Saturn, यूरेनस एंड नेपट्यून. ये है अर्थ से दूर जाते हुए डिस्टेंस में, इंक्रीजिंग डिस्टेंस में प्लैनेट्स के नंबर्स ना. इन ऑर्डर फर्स्ट मर्करी, सेकंड वेनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स, फिफ्थ जुपिटर, सिक्स्थ सैटर्न, सेवेंथ यूरेनस एंड एट्थ पोजीशन में है नेपट्यून. The Earth is the third planet in order of increasing distance from the sun. तो अर्थ की पोजिशन क्या है? अर्थ इज थर्ड ना. इंक्रीजिंग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट अवे फ्रॉम द सन. इट हैज नो लाइट ऑन इट्स ओन. ये हम जानते हैं अर्थ अपने से लाइट नहीं दे सकता है ना. अर्थ एक प्लैनेट है तो अर्थ खुद से लाइट नहीं प्रोड्यूस कर सकता है. अर्थ को कहाँ से लाइट मिलती है? We on the earth get light from the sun. हमें जो light आज हमें मिलते हैं sun से मिलता है ना. Earth को light कहाँ से मिलती है? ये sun से. Sun जो solar system के center में है, इस sun से हमारी earth में light हमें मिलती है. The earth is surrounded by a layer of air called atmosphere. और earth के जो ना, earth के चारों तरफ जो है एक layer, एक पतला सा layer ना, जैसे ये दुपट्टा में जो ना, इस तरीके से पतला सा एक लेयर अर्थ के चारों तरफ होती है. इस लेयर को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. हिंदी में भी हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं वातावरण. द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ मेनी गैसेस इंक्लूडिंग ऑक्सीजन. तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर है, हम कहते हैं ना वायु ना. तो अर्थ के इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती है. इसमें ऐसी भी गैस जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सांस लेते हैं, वो गैस है ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन एंड मेनी अदर गैसेस आल्सो. इसके अलावा और भी बहुत सारे गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं.
एवरी लिविंग थिंग्स रिक्वायर ऑक्सीजन टू सर्वाइव ना, आप जानते हैं हम ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन ना, तो हमारे लिए जीवन, अपने जीवन को ऐसे जिंदा रखने के लिए, हम अपने बॉडी को अलाइव रखने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। उसी तरीके से ऑल लिविंग थिंग्स ना, इवन प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो रिक्वायर ऑक्सीजन टू सर्वाइव। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। अब अर्थ के बारे में कहेंगे कि अर्थ का अगर हम इक्वली 4 parts में डिवाइड करेंगे, उसका 3 parts में भी क्या है, वाटर होता है ना। अर्थ की 3/4 पोजिशन में भी वाटर होती है। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, अब जानते हैं अब हमारे लाइफ के लिए जैसे ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, उसी मॉडल में उसी तरीके से अर्थ में हमें अपने बॉडी को लाइफ रखने के लिए, अलाइव रखने के लिए वाटर भी इम्पोर्टेंट है। बिना पानी का कुछ नहीं होता है। 1/4 ऑफ द अर्थ इज लैंड ना, जैसे 3/4 अर्थ का अगर हम इक्वली 4 parts में डिवाइड करते हैं, 3 parts में वाटर है और बाकी ये जो स्मॉल 1 part है, इस 1 part में लैंड है, बस 1 part जमीन है, बाकी 3 भाग जो है अर्थ का वाटर है, पानी से कवर्ड है। इफ वी स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए हाई बिल्डिंग वी फाइंड द लैंड एंड द स्काई सीमिंग टू मीट एट अ प्लेस। और ये एक इम्पोर्टेंट, अगर आप बहुत बड़ी एक हाई बिल्डिंग ना, बहुत ऊंची एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े रहेंगे और इस ऊपर से अगर आप नीचे की तरफ देखते हैं ना, बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर आप जब नीचे देखेंगे, हम देख सकते हैं कि लैंड दूर एक कॉर्नर पे लैंड और स्काई एक दूसरे से मिलते हैं ना? अगर आप नहीं देखा होगा तो कभी आपको कोई बिल्डिंग्स के बगल में, हाई बिल्डिंग के बगल में जाने का चांस मिलेगा, तो आप देखिए वो बहुत हाई बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर जब हम दूर देखते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि दूर में लैंड और स्काई एक दूसरे से मीट टच करते हैं ना। दिस प्लेस इज कॉल्ड होरिजोन, तो जहाँ पर लैंड और स्काई एक दूसरे को टच करते हैं, रियल में टच नहीं होता लेकिन हमें ऐसी लगती है ना, तो वो टचिंग पॉइंट को हम कहते हैं होरिजोन। अंडरलाइन करिए उसको। हाउएवर द लैंड एंड द स्काई एक्चुअली नेवर मीट ईच अदर, मैंने पहले बताया लेकिन लैंड और स्काई कभी भी एक दूसरे को रियल में टच नहीं करता, हमें ऐसी लगती है पर वो रियल में टच नहीं होता है। एवरी टाइम वी कम क्लोजर टू द होरिजोन इट सीम्स टू मूव फर्दर अवे, अभी हमें लगा यहाँ खड़े होके कि कुछ 1, 2, 3 किलोमीटर के दूरी पे लैंड और स्काई एक दूसरे से मिल रही है और मैंने सोचा वहाँ जाके देखने का, और आप आगे चलते रहेंगे फिर जहाँ पर आपने देखा उस पोजीशन पे अगेन आप कोई टॉप बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर देखेंगे तो फिर आपको लगेगा और आगे बढ़ेगा ना। तो हॉरिजॉन भी, कोई भी हॉरिजॉन के बगल बगल आप पहुँचेंगे तो आपको लगेगा कि वो हॉरिजॉन हमसे दूर होते जा रहे हैं ना। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि लैंड एंड स्काई नेवर टच ईच अदर, बस ओनली वी सीम्स, इट सीम्स टू अस लाइक टचिंग ना, रियल में वो टच नहीं करते हैं। सिमिलरली उसी मॉडल में उसी तरीके से द स्काई एंड द ओशन सीम टू मीट एट अ प्लेस ना, कोई समुद्र के किनारे आप जाके खड़े होंगे तो आप देख सकते हैं कि ऐसा लगता है कि वाटर और स्काई मीन्स ओशन और स्काई एक दूसरे को टच करते हैं ना। तो जैसे लैंड और स्काई टच करते हैं उसे हम हॉरिजॉन कहते हैं, उसी तरीके से जहाँ पर हमें ये लगता है कि वाटर और एंड स्काई एक दूसरे को टच करते हैं उस प्लेस को कहेंगे वाटर हॉरिजॉन। दूसरा हॉरिजॉन लैंड एंड स्काई वर इज टचिंग इट्स नॉन एज हॉरिजॉन। इफ द प्लेस विच मीट विच इज द मीटिंग प्लेस ऑफ ओशन एंड स्काई वी कॉल इट एज वाटर हॉरिजॉन, बट दे ऑल्सो नेवर टच रियली ना, रियल में वाटर भी स्काई को टच नहीं करते हैं। द प्लेस वेर द लैंड एंड द सी मीट इज कॉल्ड द कोस्ट ना, रियल में एक लैंड और सी टच करते हैं, स्काई और लैंड नहीं, तो स्काई एंड वाटर रियल में टच नहीं करता है। द रियल टचिंग इज विद लैंड एंड वाटर, जमीन और पानी एक दूसरे को टच करते हैं ना, तो ऐसे एरिया जहाँ पर लैंड एंड वाटर एक दूसरे को टच करते हैं, मीटिंग पॉइंट को हम कहते हैं कोस्ट। नहीं, बड़े क्लास में आप पढ़ेंगे, इंडिया का मैप से पढ़ेंगे तो उस समय हमें पढ़ते हैं कोस्टल लाइन ना। उसी तरीके से लैंड और वाटर जहाँ पर एक दूसरे को टच करते हैं उसे कोस्ट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं तट ना। सो स्टूडेंट्स, आज के हमारे क्लास में केवल इतना ही है और ये हमारे इस फर्स्ट लेसन की एंडिंग भी है। तो इस लेसन में हमने पढ़ा है अर्थ के बारे में ना, अर्थ इज द प्लेस वेयर लिविंग थिंग्स कैन लिव।
फिर हमने पढ़ा अर्थ की शेप के बारे में कि अर्थ का शेप क्या है, राउंड होती है। फिर हमने आगे उसके बाद कंटिन्यू किया कि अर्थ की एक एटमोस्फियर भी होती है, जिस एटमोस्फियर किससे बनी होती है, बहुत सारे गैसेस, बहुत सारे यूजफुल गैसेस, और उसमें ऑक्सीजन भी एक ऐसा गैस है जो हम ब्रीथ करने के लिए यूज करते हैं। फिर हमने हॉरिजॉन्ट के बारे में पढ़ा, हॉरिजॉन्ट क्या है, ऐसा एरिया जहाँ पर लैंड एंड स्काई और वाटर एंड स्काई मीट करते, रियल में वो मीट नहीं करते पर हमें ऐसे लगता है ना। फिर हमने लास्ट में पढ़ा कोस्ट के बारे में, कोस्ट ऐसे एरिया जहाँ पर लैंड एंड वाटर एक दूसरे को टच करते हैं। तो मुझे ये विश्वास है कि आपको ये फर्स्ट लेसन समझ में आया। तो अगर आपको समझ में नहीं आया आप फिर से लेसन रीड करिए, ठीक है, और वीडियो को फिर से प्ले करिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन यू स्टे होम एंड बी सेफ। बाय।